नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। देखते हैं आज की सुर्खियां। बीदर में साप्ताहिक कर्फ्यू बेअसर, लोग आम दिन की तरह चला रहे हैं कामकाज। कर्नाटक में 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए 23 से फिर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। अवैध काम करने वालों पर ही छापेमारी, सीएम बम्बई। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की कैबिनेट में मूल बीजेपी नेताओं को शामिल करने पर आरएसएस का जोर। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि विधि विश्वविद्यालय को सरकार की ओर से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कर्नाटक में 24 घंटे में 1805 नए संक्रमित। गोवा के पूर्व मंत्री महादेव नाइक आम आदमी पार्टी में शामिल। टोक्यो ओलंपिक्स, एक शॉट ने अदिति अशोक को कर दिया मेडल से दूर। पीएम मोदी बोले, आपने शानदार टैलेंट दिखाया। HDFC बैंक के ग्राहक ध्यान दें, आज रात 10 बजे से रविवार सुबह 10 बजे तक बंद रहेंगी कई जरूरी सर्विसेज, तुरंत निपटाले काम। मुंबई के 3 रेलवे स्टेशन और अमिताभ बच्चन के बंगले में है बॉम्ब, फोन के बाद 2 गिरफ्तार। कर्नाटका, नर्स को अश्लील तस्वीरें भेजने वाले हेडमास्टर की हुई पिटाई, वीडियो वायरल। इंडिपेंडेंस डे पर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक अभेद्य सुरक्षा, ऐसी है तैयारियां। यूपी असेंबली इलेक्शंस, जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर आज पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश, बीजेपी नेताओं को देंगे जीत का मंत्र। मध्य प्रदेश में आज मनाया जाएगा अन्ना उत्सव, पीएम मोदी लाभार्थियों से वर्चुअली करेंगे संवाद। मार्स की मिट्टी इकट्ठा करने में नाकाम रहा नासा का रोवर। सियासत, सिब्बल का योगी पर पलटवार, पूछा अगर सोशल मीडिया बेलगाम घोड़ा तो बेलगाम प्रदेश कौन। कोरोना के 6000 मामले हुए कम, आज 38000 मिले नए मरीज, 616 लोगों ने गवाई जान। सीमा पर नाकाबंदी के बाद मिजोरम नहीं पहुंच पा रही चिकित्सा सामग्री, कोरोना मरीज हो रहे परेशान। बेल बॉटम, लारा दत्ता को इंदिरा गांधी बनने में लगते थे 3 घंटे। महिला हॉकी टीम हुई निराश, अदिति और बजरंग से मेडल की आस। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।